हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of Jan टू 31st of Jan। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 21st टू 31st Jan। जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? द स्टार, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब देखिए जेमिनाई हमारे पास है दो स्टार। ओके, दो स्टार हमें बताता है कि काफी डे ड्रीमिंग चल रही है नेक्स्ट 10 डेज में। ओके, डे ड्रीमिंग चल रही है, इमेजिनेशन चल रही है। शायद कोई आपके दिमाग में है जिसको लेकर आप काफी सोच रहे हैं, या फिर कोई और इंसान हो सकता है जो आपको लेकर डे ड्रीम कर रहा है, आपको लेकर फैंटेसाइज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है। कोई पाइसिस या कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकता है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर काफी होपफुल है। ठीक है, दो स्टार है तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है हमारे पास, आपकी एनर्जी है। या तो आप इस चीज को लेकर काफी होपफुल हैं कि कभी ना कभी कोई इंसान जो मुझे अच्छे तरीके से प्यार करे, जिस तरीके से मैं चाहता हूं उस तरीके से प्यार करे, वो कभी ना कभी मिलेगा। ठीक है, तो एक विशफुल थिंकिंग होती है, विश मांगना होता है, मैनिफेस्ट करना होता है, होप करना होता है। वो आई थिंक आपने अभी तक गिव अप नहीं करा है उस चीज पे, एंड आप बहुत होपफुल हैं कि कोई ना कोई मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज में है, रिलेशनशिप में है, तो आप इस चीज को लेकर होपफुल हैं कि हमारा रिलेशनशिप लेट से अगर अभी उस तरीके का नहीं है जैसा आपको चाहिए, तो कभी ना कभी वो वैसा बनेगा जैसा एक अफेक्शनेट पार्टनर मुझे चाहिए। वो चेंजेस कभी ना कभी तो आएंगे, तो आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। बेसिकली दूसरा इंसान आपको लेकर डे ड्रीम कर रहा है, या फिर आप भी शायद डे ड्रीम कर रहे हैं अपने वो परफेक्ट इंसान को लेकर, परफेक्ट रिलेशनशिप को लेकर। दूसरा इंसान आपको लेकर विजुलाइज कर सकता है, डे ड्रीम कर सकता है, सपने देख सकता है। अब देखिए मुझे यहाँ पे ये एक दिमाग दिमाग वाली एनर्जी होती है ना, सोचना, विजुलाइज करना, सपने देखना। एक होता है एक्शन, एक होता है ओनली माइंड, और एक होता है लाइक बॉडीली एक्शन। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपकी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में ना आप काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, मुझे कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, काफी बोल्ड स्टेप ले रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कहीं कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो कि आपको भी नहीं अंदाजा था कि आप करोगे। शायद आप अपने इस पार्टनर की तरफ जा रहे हो, बढ़ रहे हो, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, बट मुझे काफी एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज, काफी ब्रेव स्टेप लेते हुए आप दिख रहे हो। आपका पार्टनर भी अगर जेमिनी या लिब्रा या एक्वेरियस है तो हो सकता है वो आपकी तरफ आ रहे हो। देखिए रोल्स रिवर्स हो सकते हैं कभी भी। मैं आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड क्या होने वाला है वो मैं बता सकती हूँ, मैं आइडिया दे सकती हूँ कि आप हो या फिर वो है, बट थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में फिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जबरदस्ती फिट मत करिएगा, बट यस, तो मुझे काफी ब्रेव स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं आप या आपके पार्टनर, कोई किसी की तरफ आ रहा है बहुत जल्दी। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई 21st टू 31st Jan। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आईज, कोई इंसान आपको दूर से निहार रहा है, देख रहा है, डेफिनेटली आपको पसंद करता है, आपको एडोर करता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये स्टॉकिंग वाली वाइब है, नहीं, स्टॉक कोई नहीं कर रहा है, बट एक होता है ना आपके बारे में थोड़ा सा पूछना, थोड़ा सा देखना कि अच्छा आज आया ऑफिस कि नहीं आया वो इंसान, या जिम में आया या नहीं आया, या अच्छा आज यहां से मेरे घर के पास से कोई निकलता है तो मैं देखूं जरा आज जा रहा है वो ऑफिस के, यू नो, सब क्यूट वाली स्टॉकिंग, ऐसी स्टॉकिंग नहीं। ठीक है, दे चोज यू, ओ माय गॉड, जेमिनी ये इंसान आपको चुन, डेफिनेटली चुनने वाले हैं, आपको चूज करने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन या रिलेशनशिप में हैं, तो ये इंसान हो सकता है इनको किसी चीज में चूज करना हो, कोई लोकेशन या फिर आप में, कोई जॉब या फिर आप में, एंड ये आपको चूज करें, फैमिली या फिर आप, यू नो, लाइक ऐसे ऑप्शन हो इनके पास एंड ये आपको चूज करें। ये इंसान आपको चूज करने वाले हैं जेमिनी।
डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। देखिए, आपको कुछ अपनी वाइब चेंज करने के लिए, अगर आप दोनों ऑलरेडी एक रिलेशनशिप या कनेक्शन में हैं और आपको वो चीजें या वो सेटिस्फैक्शन या वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए उस कनेक्शन से, तो आपको चीजें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। वो मोनोटनी जो है, एक बोरियत जो है, अपने रिलेशनशिप से हटानी पड़ेगी। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। कहीं कुछ डिफरेंट करिए, किसी डिफरेंट जगहों पे जाइए, कोई नई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करिए। वो आपको पता है, आपको बेहतर पता है आपको क्या करना है, बट कुछ अलग करिए। अगर आपकी लाइफ में ये इंसान नहीं है तो घर में बैठे तो नहीं मिलेगा। अगर आपको ये इंसान चाहिए कि वो आपको ढूंढे या एंटर करे आपकी लाइफ में, आप दोनों साथ में हो, तो लेट्स से अगर आप ऑलरेडी किसी एक्स वाई जी जगहों पे जाते हैं और आपको कोई नहीं मिल रहा है, तो कोई नई जगहों पे जाइए, ठीक है। कोई नई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करिए, कुछ नया करिए लाइफ में, ताकि चीजें डिफरेंट हो। सेम तरीके से चीजें करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं हर किसी को बोलती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आप को भी बोलती हूँ, ऑलमोस्ट हर वीकली एक रिमाइंडर देना पड़ता है कि डिफरेंट तरीके से चीजें करनी है दीपाली। देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है जेमिनाय के लिए। एरीज की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स जेमिनाय? नाइन ऑफ कॉइन्स। एरीज अभी इस टाइम पे अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हैं, मटेरियल कंफर्ट्स एंजॉय कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आते दिख रहे हैं वो। टॉरस क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स जेमिनाय? उप्स, ये ले लेते हैं, चलो। थ्री ऑफ कप्स। टॉरस अभी पार्टी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक वो अपना जो उनका सिंगलहुड है वो एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक वो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है वो आपकी तरफ आए भी, बट वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं होगा। जेमिनाय क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशन रखते हैं टुवर्ड्स जेमिनाय? द टावर। देखिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये दूसरे जेमिनाय की भी एनर्जी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी और जेमिनाय को डेट कर रहे हैं या पसंद करते हैं, उनकी लाइफ में अभी बहुत उथल पुथल चल रही है, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ सॉर्टेड नहीं है इस टाइम पे। अगर वो आपकी तरफ आते भी हैं या आप उनकी लाइफ में हो भी, तो सब कुछ कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा से मेरा मतलब है कि वो आप पे पूरा ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन कहीं और ही होगा, उनका दिमाग कहीं और होगा। तो आई थिंक इस टाइम पे अगर वो ना ही आए आपके पास तो बेहतर है, आते दिख भी नहीं रहे हैं वैसे। कैंसर की क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाय? टेन ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। प्रॉपर कैंसर एनर्जी है ये। देखिए, कैंसर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, बेबीज चाहते हैं। कैंसर आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। लियो की क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाय? डेथ। लियो की लाइफ में ना इस टाइम पे बहुत मैसिव चेंज आ रहा है, बहुत मैसिव ड्रास्टिक चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, एंड आई थिंक वो उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मुझे वो आपकी तरफ आते नहीं दिख रहे हैं। वर्गो की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स जेमिनाय? एट ऑफ सोर्ड्स। वर्गो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है काफी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आप और वर्गो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपके साथ बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं, एंग्जाइटी होती है उनको आपके साथ, ट्रैप्ड फील करते हैं, अपनी मन की बात नहीं बोल पाते हैं। और अगर आप दोनों साथ नहीं हैं, तो आई थिंक वो किसी ऐसी जगह पे, जॉब में, किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहां से वो निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो ठीक से। लीब्रा की क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाय? सेवन ऑफ वॉन्स। लीब्रा आई थिंक काफी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं अभी इस टाइम पे, काफी उनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। हो सकता है किसी के लाइफ में कोई कोर्ट केस भी चल रहा हो, बट आई डोंट थिंक अभी उनके पास टाइम है आपके लिए या कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए फॉर दैट मैटर। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाय? एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। हो सकता है स्कॉर्पियो पहले आपको लेकर या फिर उनकी लाइफ में किसी चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी, अब क्लैरिटी मिल रही है उनको नेक्स्ट 10 डेज में। वो आपकी तरफ आते दिख रहे हैं, आपको एक, आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन, प्रॉपर बैठ के बात करते दिख रहे हैं कि वो डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे मुझे, मेरे दिमाग कहाँ पे अटका हुआ था, अब मैं क्लियर हूं, यू नो।
सैजिटेरियस की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स जेमिनाई? दो सन, ओ माय गॉड। देखिए एरीज लियो सैजिटेरियस, प्रॉपर सैजिटेरियस एनर्जी है। सैजिटेरियस जो है ना जेमिनाई आपके साथ बहुत ही फुलफिल फील करते हैं, ठीक है, कंप्लीट फील करते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं वो आपके साथ। आप और ये जब साथ होंगे तो इनका जो लक है, एक वो गुड लक में कन्वर्ट हो जाता है, लक, फॉर्च्यून, हेल्थ अच्छी रहती है, तो आपका इनका कनेक्शन बहुत ही प्रॉस्पर करेगा, ठीक है, तो आगे बढ़ेगा, पनपेगा। केप्रिकॉन क्या फील करते हैं, इंटेंशन रखते हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? दो मैजिशियन। देखिए केप्रिकॉन किसी चीज में फंसे हुए थे, कोई अड़चन आ रही थी जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, आप आ रहे थे, अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है, आई थिंक कोई जुगाड़ उनको मिल गया है, बट आपकी तरफ वो आते दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने कुछ 3 4 5 लोगों से बात करी है कि भाई तुम ये कर देना, आप ऐसे हेल्प कर देना, आप ऐसे हेल्प कर देना, और मुझे जेमिनाई मेरी लाइफ में चाहिए, यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक्वेरियस क्या फील करते हैं, इंटेंशन रखते हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? दो लवर्स जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियस। जेमिनाई या आपकी एंड एक्वेरियस दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे आपका और इनका प्रॉपर कनेक्शन दिख रहा है, एक लव रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप दिख रही है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप दोनों एक दूसरे को पसंद ना करते हो, एंड ग्रेजुअली आप रियलाइज करो कि अच्छा यही तो है वो, यू नो, तो ये इंसान आपकी तरफ आते दिख रहे हैं क्योंकि शायद इनको वो रियलाइजेशन हो गई है। पाइसेस क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन रखते हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? द वर्ल्ड। पाइसेस आपके संग बहुत फुलफिल फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, अगेन आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, उनका पूरा जहान, कहते ना एक जहान मिल गया, तुम मिल गए तो जहान मिल गया, वैसी वाली फीलिंग पाइसेस को आती है जब वो आपके साथ होते हैं जेमिनाई। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, अगेन फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, ओके, बट यस ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए। मोस्टली मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।